गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द मार्केट। तो भाई नवीन, कैसे हो आप लोग? तो बस आज हम लोग जाने वाले, अभी फिलहाल चेन्नई में हूँ और फिलहाल यहाँ से हम लोग अभी लोकल ट्रेन में बैठे हुए, जो कि आप मेरे बैक साइड में देखो। अब तो अभी फिलहाल हम लोग जाने वाले चेन्नई, सॉरी अभी तो फिलहाल हम लोग हैं चेन्नई बीच। अभी हम लोग जाने वाले यहाँ से मरीना बीच, जो कि चेन्नई का एक बहुत ही बड़ा मतलब बीच है। फिलहाल हम लोग वहीं पर जाने वाले आज। तो बस अभी हम लोग का ट्रेन तो आ चुका है और लेट चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं। मरीना बीच रेलवे स्टेशन और अभी हम लोग जाएंगे चेन्नई बीच। तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा और इस साइड स्टेडियम है। तो फिलहाल अभी जो आपने देखा ना, वो है स्टेडियम, चेन्नई स्टेडियम काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से मैंने आप लोग को दिखा दिया। बस अभी हम लोग फिलहाल है चेपुक रेलवे स्टेशन, करेक्ट ना? तो अभी हम लोग फिलहाल है चेपुक रेलवे स्टेशन और ये सब मैं आप लोग को तमिल लैंग्वेज सुनाता हूँ थोड़ा। ब्रो वन टाइम तमिल लैंग्वेज यूजिंग, तमिल लैंग्वेज यूजिंग वन टाइम। हाय ब्रो, सब्सक्राइब कर दो ब्रो। तो फिलहाल अभी ये लोग बोले हाय ब्रो, मतलब सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कुछ ऐसा है तमिल लैंग्वेज यहाँ का। तो पता है कुछ है ना, मतलब ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है, बट मैनेज करना पड़ता है भाई। अगर आप लोग चेन्नई या तमिलनाडु में कहीं भी आते हो ना, तो आप लोग को लैंग्वेज का थोड़ा सा थोड़ा आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा। तो बस अभी फिलहाल कुछ ऐसा ही नज़ारा है। तो फिलहाल यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, जो कि अभी हम लोग रेलवे स्टेशन से उतर करके अभी हम लोग आ चुके हैं रोड पे। तो फिलहाल यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं और शायद मेरे हिसाब से सामने ही है मरीना बीच, जो कि आप देख रहे हो ये सामने मरीना बीच। और अभी हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग करके, जो कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो मेरे फ्रेंड लोग हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, मैक्सिमम 500 मीटर्स यहाँ से और बचा हुआ है। तो फिलहाल मैं आपको जा करके मिलता हूँ डायरेक्ट मरीना बीच पर। तो यहाँ से फिलहाल कुछ ऐसा रास्ता है जो कि आप देख रहे हो, और अंदर पूरा का पूरा है ना मार्केट है। तो अंडरग्राउंड रास्ता है रोड क्रॉसिंग करने के लिए। आप चेन्नई में आओगे ना, तो काफ़ी जगह पे ऐसा रास्ता मिलेगा। तो बस कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ से। तो अभी ऊपर आते टाइम फाइनली यहाँ पे कुछ ऐसा स्टैचू मिला है जो कि आप देख रहे हो, और यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, टूरिफॉर्म जो कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। वैसे मुझे तमिल लैंग्वेज तो मालूम नहीं, सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो, और तमिलनाडु से जो भी है वो नीचे वाले आप लोग पुश करके वीडियो को पढ़ सकते हो। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, और इस साइड है न्यूज़। तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है और पब्लिक देख रहे हो। आज है ना, वैसे मैंने बताना भूल गया, आज है संडे का दिन, तो संडे के दिन है ना क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैंने आप लोग को बताना भूल गया। तो बस कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से, और बीच है ना मेरे बैक साइड में, क्योंकि आप देख रहे हो। तो हम लोग अभी चलेंगे वहाँ पर थोड़ी देर में, फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्जॉय करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली मरीना बीच, जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में अभी देख रहे हो ना, ये है मरीना बीच।
तो भाई काफी ज्यादा वॉकिंग करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके मरीना बीच, और मेरे बैक साइड में जो था ना वो पूरा का पूरा मार्केट था। तो फिलहाल मैंने मार्केट में इतना कुछ आपको दिखाया नहीं, से नजारा कुछ ऐसा है जो कि आप देख रहे हो। और व्यू भाई मतलब इतना औसम सा व्यू है ना, और संडे है ना इसलिए मतलब भीड़ है ना बहुत ज्यादा ही रहता है संडे के दिन। और पानी अभी यहाँ तक है, और फिलहाल इस साइड कुछ ऐसा नज़ारा है, और यहाँ पे घोड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और खाने पीने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको सामान मिल जाएगा खाने पीने के लिए। तो फिलहाल अभी अभी हो चुका है एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे अभी है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा पब्लिक लोग जो अंदर ना आ रहे थे ना उसको भी अभी बाहर निकाल चुके हैं पुलिस ने। तो बस अभी हम लोग क्या करें, अंदर तो जा नहीं सकते, तो फिलहाल अभी हम लोग साइड साइड जा करके ट्राई कर रहे हैं आगे कैसा व्यू है। बस कुछ ऐसा ही नज़ारा है यहाँ का, कुछ टाइम लैप्स भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो फिलहाल अभी अभी यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, अभी हम लोग को टोटल टाइम हो चुका है यहाँ पे 30 मिनट मतलब आधा घंटा हो चुका है अभी फिलहाल। और व्यू आप देख रहे हो ना, क्राउड है ना काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा। और मेरे साथ में कुछ 3-4 भाई लोग आए, सबके सब तमिलनाडु के, इनका तो लैंग्वेज भी नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं आपको भी नहीं समझ में आएगा। और बस व्यू कुछ ऐसा है मेरे बैकग्राउंड का जो कि आप देख रहे हो, क्राउड और भीड़ कितना ज़्यादा है, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। तो बस यहाँ मरीना बीच पे कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं है आप लोगों को, बस छोटा सा ब्रिज है, छोटा नहीं है, देखा जाए तो इंडिया का लार्जेस्ट ब्रिज है मरीना बीच। और बस व्यू कुछ ऐसा है, बस यहाँ है ना क्राउड ज़्यादा होता है, और हम लोग गलती से आए संडे के दिन, तो संडे के दिन क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। और हाँ मैं बताना आप लोग को भूल गया, अगर आप लोग यहाँ आते हो ना तो प्लीज़ आप ज़्यादातर आओ यहाँ तो संडे छोड़ कर के ही आया करो, संडे को आप लोग इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि संडे में ना मज़ा नहीं मिलने वाला। अगर आप लोग को भीड़ भाड़ में मतलब ज़्यादा मज़ा आता है तो आप लोग आ जाओ, जिसको मतलब भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, क्राउड नहीं चाहिए ज़्यादा, तो आप लोग प्लीज़ मेहरबानी करके संडे के दिन मत आया करो, जो कि आप लोग खुद ही देख रहे हो कितना ज़्यादा क्राउड है, देख रहे हो आप कितना कुछ ऐसा क्राउड है यहाँ से। व्यू कुछ ऐसा, बट व्यू है ना काफ़ी औसम है, मैंने काफ़ी ज़्यादा विजिट किया दमन बीच, मैंने काफ़ी ज़्यादा विजिट किया उस जगह पे है ना, मतलब कचरा बहुत ज़्यादा आता है, मुंबई में भी देखते हो आप कचरा बहुत ज़्यादा आता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कचरा है ना आपको बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला यहाँ पे। तो बस कुछ ऐसा नज़ारा था यहाँ का। तो बस कुछ ऐसा भी अभी मेरे साथ में कुछ फ्रेंड्स है जो कि आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, सबके सब तमिलनाडु से ही है, हाय कर दो, सबके सब तमिलनाडु से। तो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट अभी मैं थोड़ा इंग्लिश में ट्रांजेक्शन करके मैनेज कर रहा हूँ। तो बस तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, यहाँ पे पूरे का पूरे गर्ल्स पार्टी है। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न यहाँ से, अभी हम लोग का हो चुका है मरीना बीच विजिट, पूरा ज़्यादा विजिट नहीं किए बट कुछ भी थोड़ा बहुत तो हम लोग विजिट कर चुके हैं। और अभी हम लोग चल रहे हैं खाली सा मैदान में, जो कि आप देख रहे हो कुछ ऐसा खाली सा मैदान है, साइज है ना काफ़ी बड़ा है इसका मैदान में, और नीचे देख रहे हो ना आप पूरा का पूरा बालू है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में,
नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए।